हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि की कक्षा। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस सेट 5.2। ओके, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अप टिल क्वेश्चन नंबर 6 आई टॉट यू ऑल इन द लास्ट लेक्चर। सो नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सीज फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। नाउ हमने ना आप लोग को पहले ही बताया था दैट इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमें तीन चीज़ें सीखनी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला। करेक्ट, सो वी डिड सम सम्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज किया एंड नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज वन सच क्वेश्चन। इट इज फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। मतलब आप लोग को ट्रायंगल के कुछ वर्टिसेस गिवन है, मतलब तीनों वर्टिसेस गिवन है और आप लोग को उसको यूज करके सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आप लोग को तीन पॉइंट्स गिवन है, -7.6, देन द सेकेंड वन इज 2.-2 एंड द थर्ड वन इज 8.5। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू। सो नाउ हाउ विल वी रिप्रेजेंट आवर क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग एक रफ ट्रायंगल बना लीजिए लाइक दिस, यू कैन नेम इट एनीथिंग सिंस इट इज रफ। तो ए बी सी दे दिया मैंने नाम, यहाँ पे इसको -7.6, 2.-2 एंड 8.5। नाउ मैंने आप लोग को जब सेंट्रॉइड सिखाया था तब बताया था कि हर वर्टेक्स से हम एक मीडियन बनाते हैं, हर वर्टेक्स से एक मीडियन बनता है और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। अब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है इन द प्रीवियस लेक्चर, सो अगर आप लोग ने नहीं देखा है सो यू कैन वॉच दैट। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनता है जहाँ पे हमारे तीनों मीडियंस मीट होते हैं दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं जी। सो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है यूजिंग दीज थ्री पॉइंट्स एंड अ सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या था, आई होप सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा सो अब लर्न कर लो, ठीक है। सो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, x1+, अगर आप लोग को x कोऑर्डिनेट ढूंढना है सेंट्रॉइड का, अब कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट है तो उसका हम x एंड y कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1+x2+x3/3 और y कोऑर्डिनेट सिमिलरली y1+y2+y3/3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँ यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं दैट जी, हम अज्यूम कर रहे हैं ना क्योंकि हमें ये डायग्राम नहीं गिवन था, तो हम लिखेंगे लेट जी x, y बी द सेंट्रॉइड। अब ये चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं, सिंस ये जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को डायग्राम नहीं गिवन था। अगर आपके पास डायग्राम गिवन है एंड आप लोग नहीं लिखते हो देन इट इज़ फाइन, ठीक है। सो लेट जी x, y बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, नाउ यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x ढूंढ रहे हैं, सो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली सिर्फ x लिखो, x इज इक्वल्स टू x1+x2+x3/3, सिमिलरली y विल बी इक्वल टू y1+y2+y3/3। ओके, एम आई क्लियर। सो नाउ यहाँ पे x1, x2, x3 क्या है, तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ भी लिख सकते हैं, जैसे a हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a -7.6 जो हमारा हो जाएगा x1, y1, देन b इज वॉट 2.-2 विच विल बी कंसिडर्ड एज x2, y2, ठीक है, एंड c विच इज 8.5 विच इज कंसिडर्ड एज x3, y3। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पे आप x1 क्या है, x1 ये 1 है, तो x1 इज -7, सो -7+x2 विच इज 2+x3 8/3। सो अब इसको सॉल्व करो, 8-7 1, 1+2 3, सो इट इज 3/3 विच विल गिव यू 1। सो आप लोग का x का आंसर क्या आ गया, 1। सिमिलरली वी विल बी सॉल्विंग इट फॉर y, सो y इज y1+y2+y3/3, सो y1 क्या है 6, +-2 मतलब -2 हो जाएगा, +y3 विच इज 5, सो +5। आई होप ये आप लोग को समझ होगा, y1+y2 सो इट इज प्लस, बट y2 क्या है -2, सो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, एंड दिस अपॉन 3। नाउ दिस विल बी 6-2 4 4+5 9, सो 9/3, 3 1s are 3 3s are, देयरफॉर y इज हाउ मच,
थ्री, वाई क्या मिला हमें, थ्री मिला, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स, दिस मच इज हियर। सो आप लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफोर सेंट्रॉइड जी विच इज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, वॉट इज द आंसर योर, 1.3, 1.3, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझा। सो सिमिलरली और दो क्वेश्चन हैं, वन मोर क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, थर्ड वाला आप लोग होमवर्क में कर लेना। सो कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब मैं डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन और ये सब नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली ये पॉइंट्स लिखूंगी एंड सॉल्व करूंगी, ठीक है। ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करने। सो फर्स्ट पॉइंट है 3, -5, सो डायग्राम बना लेते हैं। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू ऑल दैट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे आप डायग्राम बनाते हैं आप लोगों को मोर देन हाफ थिंग्स आप लोगों को क्लियर हो जाती है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो दिस टाइम आई लिमिट एस पी क्यू आर, आप लोग अगेन ए बी सी भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट एक चीज़ याद रखना कि सेंट्रॉइड को हम जनरली जी से ही डिनोट करते हैं, सो आप लोग जब भी सॉल्व करो तो जी से ही डिनोट करना सेंट्रॉइड को, ओके। सो दिस इज जी। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट गिवन टू यू ऑल इज 3, -5, सो हम पी को 3, -5 ले लेते हैं। अब ये डायग्राम में भी आप लोग पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो अगर लिखना है तो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। x1, y1, देन q को हम लोग ले लेते हैं सेकेंड पॉइंट विच इज 4, 3, दिस कैन बी x2, y2, देन r विच इज 11, -4, दिस यू कैन कीप एस x3, y3, ओके। दिस मच इज क्लियर, x3, y3, 11, -4, 4, 3 एंड 3, -5। सो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सो यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, अब देखो सेंट्रॉइड फॉर्मूला, एक बात हमेशा याद रखना, सेंट्रॉइड फॉर्मूला कभी भी सिर्फ ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, सो ट्राई टू फाइंड आउट कि डायग्राम में क्या ट्राइंगल की बात की है, सो हो सकता है कि वहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज हो। बिकॉज सेंट्रॉइड फॉर्मूला मैंने क्या बोला, ट्राइंगल के जब एक वर्टेक्स से मीडियन निकलता है, वैसे टोटल 3 मीडियंस बनते हैं क्योंकि ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं। सो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो 3 मीडियंस मीट करते हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो ये चीज़ सिर्फ ट्राइंगल में ही पॉसिबल होती है, सो इसलिए याद रखना कि सेंट्रॉइड इज ऑलवेज फाउंड इन ट्राइंगल ओनली। सो यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू x1, x2, x3/3। सिमिलरली वाई इज इक्वल्स टू y1+y2+y3/3। अब हम लोग सब क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, ओके। सो 3+4+11, 3+4+11/3, सो इट विल बी हाउ मच, दिस इज 7 एंड दिस इज 18/3। सी 4+3=7 एंड 7+11=18, सो दिस विल बी 3 1s, 3 6s, सो एक्स इज इक्वल्स टू 6, दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू वाई कोऑर्डिनेट, y1+y2+y3, -5+3-4/3, सो y विल बी हाउ मच, -5+3-2, -2-4=-6/3, सो 3 1s, 3 2s, सो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y पॉइंट हम लोग बोलेंगे -2, क्या आ जाएगा -2। सो यहाँ पे आपके सेंट्रॉइड का आंसर क्या हो जाएगा, देयरफोर सेंट्रॉइड जी x, y विल बी 6, -2, हाउ मच इट विल बी 6, -2। सो आई होप आप लोग को बहुत दोनों भी सम्स क्लियर होंगे। अब ऐसे ही एक सब क्वेश्चन 3 है, वो आप लोग ट्राई करो, मैंने 2 सम सॉल्व करके दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल मूव फर्दर, ओके। स्टूडेंट्स आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस मूव ऑन फर्दर, ओके। स्टूडेंट्स नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज, इन ट्राइंगल ए बी सी जी विच इज -4, -7 इज द सेंट्रॉइड, इफ ए -14, -19 एंड बी इज 3, 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। मतलब इस बार हमें सेंट्रॉइड ऑलरेडी गिवन है, सेंट्रॉइड का पॉइंट्स क्या है हमारे पास, -4, -7, और हमें ट्राइंगल का एक वर्टेक्स का पॉइंट्स नहीं गिवन है, दैट इज वर्टेक्स सी x3, y3, जिसको मैंने अज्यूम किया। तो अब हमें ये ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, अगेन यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला।
So come on, let us start using centroid formula. Just a second. Using centroid formula, x is equals to what? X1 plus x2 plus x3 upon 3. Similarly, y is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3. Correct? Now, x कोऑर्डिनेट इस बार हमें पता है, g इज माइनस फोर कॉमा माइनस सेवन, मतलब ये x कॉमा वाई है. सो यहाँ पे ये क्या है, माइनस फोर इज इक्वल्स टू, अब x1 क्या है, माइनस फोर्टीन, प्लस x2 क्या है, थ्री. अब यहाँ पे आप लोग वो पॉइंट्स लिख सकते हो अगर आप लोग को चाहिए तो. आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन सिंस वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. ठीक है, सो चीज़ आप लोग को पता है, इसको आप लोग x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, x3 y3 ऑलरेडी है. ठीक है, सो प्लस थ्री एंड प्लस एक्स थ्री हमें नहीं पता है, सो इसको एज इट इज रखेंगे अपॉन थ्री. अब ये थ्री को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, ये कितना हो जाएगा, माइनस इलेवन या प्लस एक्स थ्री. ठीक है, अब इसको यहाँ पे भेज दो, सो माइनस ट्वेल्व प्लस इलेवन इज इक्वल्स टू एक्स थ्री. सो एक्स थ्री विल बी हाउ मच, माइनस वन. एक्स थ्री पॉइंट क्या आया, माइनस वन. ठीक है, यहाँ पे ये देखो, दिस इज इलेवन या नाउ वाई, ये वाई हमें पता है, सॉरी. सो वाई इज व्हाट, माइनस सेवन इज इक्वल्स टू माइनस नाइनटीन प्लस फाइव प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री. अब यहाँ पे अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू, नाउ हाउ मच इज दिस मच, दिस माइनस नाइनटीन प्लस फाइव, सो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री. नाउ दिस इज हाउ मच, अच्छा सॉरी, ये थ्री हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, सो माइनस फोर्टीन प्लस वाई थ्री, सो दिस विल बी माइनस ट्वेंटी वन. अब ये माइनस फोर्टीन यहाँ पे आएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी प्लस फोर्टीन विच विल बी इक्वल टू वाई थ्री. सो वाई थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वेंटी, सो सिक्स एंड सेवन, सो इट विल बी सेवन. आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, अगर चेक करना है तो सी 20 माइनस 14 करते तो 6 आता, सो यहाँ पे ये 7 बिकॉज इट इज 21 एंड ये माइनस साइन है, सो दिस विल बी माइनस 7. ठीक है, सो सेंट्रॉइड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर सेंट्रॉइड, अच्छा सॉरी नॉट सेंट्रॉइड, दिस इज नॉट सेंट्रॉइड, यहाँ पे हम लोग ने कौन सा पॉइंट ढूंढा, एक्स थ्री वाई थ्री. सो देयरफॉर सी एक्स थ्री वाई थ्री कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस वन कॉमा माइनस सेवन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही ईजी समय, यहाँ पे अगेन हम लोग ने पूरा सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट लगाया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर नाइन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर नाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर नाइन. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है कि आप लोग के पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी. आप लोग को पॉइंट ए गिवन है एच कॉमा माइनस सिक्स, बी इज टू कॉमा थ्री एंड सी इज माइनस सिक्स कॉमा के, एंड आप लोग का सेंट्रॉइड पॉइंट गिवन है 1.5. अब आप लोग को ढूंढना है एच एंड के, मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है जो हम लोग को एच गिवन है, और सी का वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है जो हम लोग को के गिवन है. तो अब वो हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला. ठीक है, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं, क्या एक्स वन वाई वन है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर हम कन्फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा है. सो हम लोग लिख लेते हैं के ए एच कॉमा माइनस सिक्स है, सो इसको हम एक्स वन वाई वन लिख लें. ओके, सिमिलरली बी विच इज़ टू कॉमा थ्री, सो वी कैन राइट इट एज एक्स टू वाई टू. देन सी इज माइनस सिक्स कॉमा के, इट कैन बी रिटन एज एक्स थ्री वाई थ्री. एंड जी तो हमारा सेंट्रॉइड है विच इज़ 1.5, सो इट इज़ एक्स कॉमा वाई. ये तो डिफॉल्ट एक्स कॉमा वाई ही होता है जी, हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट. ठीक है, सो नाउ वी विल यूज द सेंट्रॉइड फॉर्मूला. सो यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, सेंट्रॉइड फॉर्मूला. ठीक है, एक्स विल बी हाउ मच, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री. सिमिलरली वाई विल बी वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री. दिस मच इज क्लियर. सो नाउ एक्स,
अब x पॉइंट क्या है हमारा, g का x कोऑर्डिनेट, सो इट इज 1 इज इक्वल टू व्हाट इज x1, h, यहाँ पे हमें x1 नहीं पता है, प्लस x2, x2 क्या है हमारे पास 2, एंड प्लस x3 इज माइनस 6, सो दिस उसको हम लोग डायरेक्टली माइनस 6 लिख लेते हैं, अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 वन्स आर 3 इज इक्वल्स टू एच, 2 माइनस 6 माइनस 4, सो एच विल बी हाउ मच, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एच, सो एच क्या आ गया हमारे पास 7, एक चीज़ हम लोग ने ढूंढ ली, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे k भी ढूंढ लेंगे, सो कम ऑन लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, y इज 5 इज इक्वल्स टू व्हाट इज y1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस k, ओके यहाँ पे क्या था h प्लस 2 माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 प्लस 3 प्लस k अपॉन 3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5 3 इज़ 15 इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस k, सो अब ये 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, सो k विल बी हाउ मच, 16 18, सो इट विल बी 18, सो दिस इज योर आंसर 7, 18, h इज 7 एंड k इज 18, सो आप लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 7 एंड k इज इक्वल्स टू 18, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड h एंड k, सो आप लोग लिखेंगे देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 7 एंड k इज इक्वल्स टू 18 एंड दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है ये क्वेश्चन में, सो दैट इज आई हैव टोल्ड यू कि आप लोग ये फॉर्मुलेस अगेन एंड अगेन रिवाइज करो, क्योंकि ये एक्सरसाइज में सिर्फ तीन ही चीज़ें आप लोग को सीखनी है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और इससे पहले 5.1 में हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, अब 5.3 जो है वो आप लोग को इस साल के सिलेबस में रिड्यूस हो गया, सो बेसिकली अब आप लोग को ये चैप्टर में सिर्फ प्रॉब्लम सेट ही बचा है, सो आप लोग को सिर्फ तीन ही टाइप के फॉर्मूलाज आप लोग ने यहाँ पे सीखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला, तो ये चार फॉर्मूले आप लोग को बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस सेवन द होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, ओके, देन कमिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, सॉरी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, सिमिलर ये एक्स और वाई के लिए हो गया, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और ये x वाले के लिए, और अगर y कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, नीचे एम प्लस एन हमेशा फिक्स होता है, नाउ बचा कौन सा सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, वाई इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, बस इतनी ही चीज़ें आप लोग को सीखनी है ये पूरे चैप्टर में, सो इसमें क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी ईजी चैप्टर और बहुत स्कोरिंग भी होते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व दीज क्वेश्चन, अब ये एक्सरसाइज में हमारे तीन क्वेश्चन बचे हैं, सो दैट आई बी टेकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि थोड़े डिफरेंट सम्स है एंड थोड़े लेंदी भी होंगे, सो आई वॉन्ट यूर टू स्टार्ट टाइम विद अ फ्रेश माइंड, सो तब तक आप लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो एंड मेक श्योर दैट आप लोग को फॉर्मूलाज बहुत ही थरली पता हो, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ओके स्टूडेंट्स आई हैव टेकन अ स्क्रीन शॉट एंड आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, अगर आप लोग ने इसका पहले का कोई भी लेक्चर मिस किया है सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सारे लेक्चर्स रखे हैं, चेक ऑल द लेक्चर्स, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं क्विज अपडेट्स क्विज डालती हूँ, मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल, आई हैव मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो मेक श्योर, एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पे भी क्विज के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे भी सारी चीज़ें का अपडेट्स मिलता है, ठीक है, सो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।